राज्य सरकार द्वारा किसानों को राहत पहुंचाने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत पिछड़ा एवं फसलों की सिंचाई हेतु 75 रुपये प्रति लीटर डीजल अनुदान दिया जा रहा है। अब तक 96,808 किसानों को डीजल अनुदान दिया जा चुका है तथा आगे भी सभी इच्छुक लोगों को इसका भुगतान दिया जाएगा। सिंचाई के लिए प्रतिदिन 16 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जा रही है। कृषि कार्यों के लिए बिजली दर को पहले ही घटाकर 65 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है, जिससे बिजली से सिंचाई करना लगभग 20 गुना सस्ता पड़ता है। जो किसान धान की रोपनी नहीं कर पाएंगे उनके लिए आकस्मिक फसल योजना के तहत कम अवधि की फसलें जैसे मक्का, कुलथी, उड़द, तोरिया, मटर, भिंडी आदि के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराने की पूरी तैयारी की जा चुकी है, ताकि किसानों की कुछ न कुछ आमदनी जरूर हो सके। यद्यपि पिछले कुछ दिनों में वर्षापात होने के कारण कल यानी 14/8/2023 तक धान का कुल आच्छादन, सब चीज पर सार्वजनिक ध्यान दिया गया, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कितना हम लोगों ने खोला, जब से काम करने का मौका मिला तो बहुत जल्दी हमने शुरू में ही 2006 से ही 21,291 नए प्राथमिक विद्यालय खोल दिए गए और 19,725 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय तक उत्क्रमित किया गया और 63,871 विद्यालय भवन बनाए गए। प्राथमिक विद्यालयों के 3.25 लाख से अधिक क्लासरूम का निर्माण किया गया। सभी विद्यालयों में छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय बना दिए गए। लड़का के लिए, लड़की के लिए शौचालय अलग बना दिया गया। पहले ये सब कुछ नहीं था तो भी कर दिया गया और विद्यार्थियों के लिए पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति और अन्य कई योजनाएं लागू की गई है। सब तो आप जानते ही हैं, ठीक नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और मदद दी जाएगी, यही सोच करके उसके लिए अलग योजना बनेगी। तो हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो सबके हित में काम कर रहे हैं, तो ये सब काम भी कर ही दे रहे हैं। आपको हम यही कहना चाहते हैं कि हो जाएगा, तो इसीलिए अब जो भी काम हम लोगों को करना है करते रहेंगे और राज्य के हित में ये सब काम हम कर रहे हैं। और आप सब लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं और कितनी बड़ी संख्या में सब लोग उपलब्ध हैं, हमको देख करके इतनी खुशी हुई है आप सब लोगों को देख करके। मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ जो इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग उपस्थित, आप पत्रकार भी भारी संख्या में उपस्थित हैं। मैं सब स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं समस्त बिहार वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। राष्ट्रभक्तों के साहस, त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आज के दिन हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। उनके उच्च आदर्श आज भी हम सबों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो बहादुरी से देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। देश के थल, जल और नभ की रक्षा करने वाले भारतीय सेना का हम अभिनंदन करते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि बिहार ने स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। बिहार के लोगों ने
हमेशा राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की। इस वर्ष जुलाई एवं अगस्त माह के शुरुआती दिनों में कम वर्षा होने के कारण किसानों को धान की खेती में कठिनाई हो रही थी। इसको देखते हुए राज्य सरकार द्वारा किसानों को राहत पहुंचाने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत बिचड़ा एवं फसलों की सिंचाई हेतु 75 रुपये प्रति लीटर डीजल अनुदान दिया जा रहा है। अब तक 96,808 किसानों को डीजल अनुदान दिया जा चुका है तथा आगे भी सभी इच्छुक लोगों को इसका भुगतान दिया जाएगा। सिंचाई के लिए प्रतिदिन 16 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जा रही है। कृषि कार्यों के लिए बिजली दर को पहले ही घटाकर 65 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है, जिससे बिजली से सिंचाई करना लगभग 20 गुना सस्ता पड़ता है। जो किसान धान की रोपनी नहीं कर पाएंगे उनके लिए आकस्मिक फसल योजना के तहत कम अवधि की फसलें जैसे मक्का, कुलथी, उड़द, तोरिया, मटर, भिंडी आदि के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराने की पूरी तैयारी की जा चुकी है ताकि किसानों की कुछ न कुछ आमदनी जरूर हो सके। यद्यपि पिछले कुछ दिनों में वर्षापात होने के कारण कल यानी 14/8/2023 तक धान का कुल आच्छादन 89.15% हो गया, फिर भी जिन जिलों में रोपनी कम हो पाई है वहां किसानों को राहत देने के लिए डीजल अनुदान, 16 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति तथा वैकल्पिक फसलों के लिए निःशुल्क बीज की व्यवस्था की जा रही है। सभी थानों की व्यवस्था ठीक रखी गई है। हमारा उद्देश्य है कि जो लोग क्राइम करते हैं उन पर पुलिस अपना काम करे और कोई भी अपराधी बच न पाए। इसलिए हर थाने के कार्यों को दो हिस्सों में, हम सब दिन बताते रहे हैं आप सब लोगों को, दो हिस्सों में किया गया है। एक तो केसों का अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर में बांटा गया है, विधि व्यवस्था में। अब पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए। अब एक आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए डायल 112 की इमरजेंसी सेवा प्रारंभ की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति जैसे अपराध की घटना, आग लगने की घटना, वाहन दुर्घटना की स्थिति में या महिला बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित स्थिति में बिहार के किसी भी कोने से कोई भी पीड़ित व्यक्ति 112 नंबर पर निःशुल्क कॉल कर सकते हैं। सभी कॉल पटना स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में प्राप्त होते हैं। व्यक्ति को सहायता उपलब्ध कराने के लिए 15-20 मिनट के अंदर इमरजेंसी रिस्पांस वाहन घटना स्थल पर पहुंचा दिया जाता है। इस हेतु अब तक पहले चरण में पुलिस बल के साथ 400 डेडिकेटेड वाहन तैनात किए गए हैं, जिसके माध्यम से संपूर्ण पटना जिले तथा अन्य सभी जिला मुख्यालयों एवं शहरी क्षेत्रों में यह व्यवस्था कार्यरत। इसके कॉल सेंटर का पूरा संचालन महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। इस काम में महिला पुलिसकर्मियों को सबसे अधिक लगाया है।
और कितना बढ़िया से महिला पुलिस काम कर रही है, ये देखने लायक। हम तो कहेंगे इन लोगों को कि कभी कभी थोड़ा दिखा दीजिए कि किस तरह से महिलाएं सब काम, कहीं क्या भी कुछ घटना, कुछ भी जानकारी मिलती है और कितना तेजी से सारा काम करवाती है। तो ये देख लीजिएगा, हम जानते ना है महिला को पुलिस में हम कितना करवाए, 35% का आरक्षण कराए, और उसके चलते देख लीजिए महिलाएं भी पुलिस में कैसा कैसा काम अच्छा से कर रही है। ये बड़ी खुशी की बात है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। तो और दूसरे चरण में भी इस व्यवस्था को हर तरह से सब काम किया जा रहा है। तो अब एक एक चीज के बारे में एवं क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से होने वाले अपराधों से निपटने के लिए भी प्रत्येक जिले में रेल पुलिस सहित कुल 44 साइबर पुलिस थानों का गठन किया गया। इस तरह से हर चीज के लिए सब काम किया जा रहा। बिहार में राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल कायम है। सांप्रदायिक घटनाओं में पूरे राज्य में लगातार कमी आई है। सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं के प्रकाश में आने पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। आबादी वाले क्षेत्रों में 8064 संवेदनशील कब्रिस्तानों को घेराबंदी के लिए चिन्हित किया गया था, जिसमें लगभग सभी काम पूरा हो गया। बाद में 2021 में 1209 और कब्रिस्तानों को चिन्हित किया गया जिनकी घेराबंदी का काम चल रहा। इनमें से लगभग 185 का काम पूरा हो गया है, 400 निर्माणाधीन है और शेष जितने भी हैं उनका भी काम शीघ्र पूरा करने का लक्ष्य किया जा रहा। और आप जानते ही हैं मंदिरों की चार दीवारी का भी हम लोगों ने काम शुरू किया 2016 में। बिहार मंदिर चार दीवारी योजना शुरू की गई, क्योंकि मंदिरों में यदा कदा कोई मूर्ति का चोरी कर लेता है, किसी तरह की घटना घटती थी, तो हम लोगों ने यही कहा कि 60 वर्ष से पुराने जितने जो भी हैं धार्मिक न्यास पर्षद हैं उसमें निबंधित मंदिरों को घेराबंदी की जा रही है। और ये कितने बड़े पैमाने पर काम हो रहा, अब तक 419 मंदिरों को चार दीवारी की जा चुकी है और पिछले एक वर्ष में 124 मंदिरों की चार दीवारी की जा रही है। अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई 60 साल से अधिक वाले जितने हैं उनके लिए काम शुरू किया है। अब हम लोगों ने तय किया है कि कोई भी मंदिर है 60 साल से कम समय का भी है उसकी भी चार दीवारी का काम हम लोग काम कराएंगे। ये भी हम लोगों ने सोच लिया है ताकि किसी को कोई मंदिर में कोई कहीं कोई गड़बड़ नहीं कर सके, इसलिए ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी कितना काम किया गया, सब चीज पर सार्वजनिक ध्यान दिया गया। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कितना हम लोगों ने खोला, जब से काम करने का मौका मिला तो बहुत जल्दी हमने शुरू में ही 2006 से ही 21,291 नए प्राथमिक विद्यालय खोल दिए गए और 19,725 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय तक उत्क्रमित किया गया और 63,871 विद्यालय भवन बनाए गए। प्राथमिक विद्यालयों के 3.25 लाख से अधिक क्लासरूम का निर्माण किया गया। सभी विद्यालयों में छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय बना दिए गए, लड़का के लिए लड़की के लिए शौचालय अलग बना दिया गया, पहले ये सब कुछ नहीं था तो भी कर दिया गया। और विद्यार्थियों के लिए पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति और अन्य कई योजनाएं लागू की गई है, सब तो आप जानते ही हैं, हम लोगों ने शुरू कर दिया था 8 के समय से ही।
पहले लड़कियों के लिए शुरू किया आठवें के बाद से, और उसका लड़कों ने डिमांड किया तो 11 से उनके लिए भी शुरू कर दिया। अब कितना ज्यादा सबकी सुविधा हो रही है। अब बालिकाओं की शिक्षा से जनसंख्या के स्थिरीकरण का बिल्कुल सीधा संबंध है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी पंचायतों में 10+2 10+2 स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया, और अब अधिकतर पंचायतों में 10+2 स्कूल स्थापित हो गए हैं और जहां पठन पाठन प्रारंभ हो गया। लेकिन इसके अलावे देखते हुए उसको और विद्यालयों के भवन को ठीक करने के लिए 2768 स्कूलों में नए भवन और 3503 विद्यालयों में अतिरिक्त क्लासरूम आदि का निर्माण किया जा रहा है। और इसमें सरकार ने जो तय कर दिया है और इसमें जो निर्णय कर दिया गया 7530 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई, तो ये सब काम किया जा रहा है। सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की कुल संख्या 4,39,496 है, जिनमें से सरकारी शिक्षकों की संख्या 59,720 है और पंचायत और नगर निकायों को मिलाकर कुल नियोजित शिक्षकों की संख्या 3,79,776 है। इसके अतिरिक्त राज्य के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकारी शिक्षकों के कुल 1,70,461 पदों पर स्वीकृति की कार्रवाई बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है। अब इसमें समझ लीजिए कि 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालयों में 69,943 पद, प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 के लिए 32,916 पद और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 से 12 के लिए 57,602 पद शामिल है। इस पर काम चल रहा है और बहुत जरूरी है कि इसके लिए इस महीने के अंत तक इसके लिए जो भी है परीक्षा होनी है हो जाएगी, और तेजी से ये काम हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी बहाली हो जाए। अब इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 हेडमास्टर के लिए प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की कार्रवाई भी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ही की जा रही, वो भी काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अब विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण में लगातार सुधार किया जा रहा और बाकी सब चीजों के लिए एक बात हम बता देना चाहते हैं, बाकी जितने भी टीचर हैं ये कौन किया था, ये हम ही लोग कर दिए थे, इसलिए कि हम बच्चे बच्चियों को पढ़ाना चाहते थे तो हम ही ने कह दिया था कि पंचायती राज संस्थाओं से नगर निकायों के माध्यम से बहाली हो जाएगी। अब वो करते थे बहुत हुआ और उनके लिए सरकार पैसा ही देती है। 4,000 से शुरू हुआ कहां पहुंच गया, 40,000 से ऊपर भी पहुंच गया, तो सब किया गया। अब कई जगह पर कुछ बोलते रहते हैं हम तो भाई, अब कई जगह कुछ लोगों को देखा गया अब पढ़ाई उढ़ाई ठीक ढंग से कहीं कहीं जब नहीं हुई तो हमने कहा कि सबको देखिए कि काहे नहीं पढ़ा रहा, हम बच्चे बच्चियों को सब जगह पढ़ाना चाहते हैं, तो इसी के लिए वो काम किया। तभी हमने तय किया कि जैसे पहले सब दिन सरकारी होता था इस बार भी सरकारी तौर पर हम लोग इस काम को फिर कर देंगे, यानी पूरे तौर पर ये काम किया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो किया गया है, अब बाकी जितने भी हैं तो इनके लिए भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। बनके रहना पड़ता है ताकि कोई किसी समय आए तो इस सब इलाज का काम किया जा रहा, और एक बार और किया गया 7-2 में एक और काम हम लोगों ने इधर कर दिया, पिछले वर्ष से शुरू किया और वो सुविधा एक कर दिया है कि भाई डेली मेडिसिन की व्यवस्था की जाए। जितने आपके जितने स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं उसमें
टेली मेडिसिन की व्यवस्था कर दी गई। और वहां पर कोई मान लीजिए कोई बुजुर्ग है, कोई इधर से उधर जाने की स्थिति में नहीं है, तो वहीं पर अपनी बात को रखेगा और उनका पास जिला मेडिकल कॉलेज अनुमंडल अस्पताल के जितने चिकित्सक हैं वो वहीं से देख लेते हैं, परामर्श दिया जा रहा और इसके परामर्श का लोग कितना फायदा ले रहे हैं। अब इसके लिए हम लोगों ने पिछले ही साल में शुरू किया और अब हो गया है 7,800 स्वास्थ्य केंद्रों में टेली मेडिसिन की व्यवस्था हो गई। और आप जानते हैं मात्र एक साल के अंदर 75 लाख से अधिक लोगों ने इसका लाभ ले लिया। यानी जो बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, खराब स्थिति में है, तो उसके चलते उसके इलाज का इस तरह से सुझाव दिया जाता है। ये सब काम किया जा रहा है हम लोग, और सब हम लोग कर रहे हैं। बाल हृदय योजना कितना करवा रहे हैं आप समझ रहे हैं ना, कि सब कुछ किया गया था, ये जो भी था। अब इसके चलते जितने लोग हैं हृदय में छेद के साथ जो जन्म होता है, अब उसका इलाज कुछ नहीं हो पाता, तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई इसका इलाज होना चाहिए। और कहां इलाज होता है, तो यही पता चला कि प्रशांति फाउंडेशन के सहयोग से गुजरात के अहमदाबाद में अवस्थित सत्साई अस्पताल में इसका इलाज वो मुफ्त में करता है। वहां ये पता चला तो हम लोगों ने तय कर दिया कि इसके पीड़ित जितने होंगे उन सब लोगों को यहां से वहां भेज दिया जाएगा। अगर 6 साल से ऊपर उम्र है तो एक आदमी को साथ भेजेंगे, आने जाने का पैसा, उसको रहने का हर तरह का इंतजाम के लिए पैसा। और अगर 6 साल से कम उम्र का है तो कम से कम 2 लोग जाएं, तो ये सब के लिए सब इंतजाम किया जा रहा है। आप समझ लीजिए कि इसके लिए हम लोगों ने बहुत पैसा दिया है, 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से सहायता भी दी गई। अब उसके चलते आप समझ लीजिए कि बहुत इलाज हुआ, 703 बच्चे बच्चियों का इलाज हो गया वहां से। अब जब वहां भेज रहे थे तो हम लोगों ने यह भी तय किया कि हमारे जो पटना में है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ITIC, तो हमने कहा कि यहां भी इसका इंतजाम करिए। तो इसके चलते अब यहां पर इसका इलाज शुरू हो गया, हृदय के छेद वाले से जन्मे बच्चों का उसका इलाज यहाँ शुरू हो गया। और आप जान लीजिए कि अब 161 बच्चों का इलाज यही हुआ। आप फिर जो केंद्र का ITIMS है उनसे भी हम लोगों ने आग्रह किया कि यहाँ पर काम शुरू करिए, तो वो भी अब शुरू कर दिए, तो वहां भी 24 बच्चों का इलाज हो गया। आप सोच लीजिए इस तरह से जो भी पीड़ित लोग हैं हृदय में छेद के साथ जो जन्मे हुए लोग, ऐसे लोगों के इलाज के लिए सब तरह से हो जाए ताकि वो जीवित रहे और आगे बढ़े, तो ये काम भी हम लोग करवा रहे हैं, किसी चीज को छोड़ नहीं रहे। और आप जानते ही हैं कि बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की स्थापना की गई है। पहले तो मात्र बिहार में 16 या 6 सरकारी था, अब बढ़ करके 11 मेडिकल कॉलेज अस्पताल कार्यरत है और 13 नए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। अब हम लोगों ने सोचा कि भाई हम तो तय कर दिए कि जिला तक वाले को करेंगे, और देखा कि भाई जिला तक पर तो सबका होगा, वो आगे हो जाएगा, लेकिन जो प्रमंडलीय मुख्यालय है वो प्रमंडलीय मुख्यालय 9, तो उसमें 8 जगह पर मेडिकल कॉलेज है और बन रहा, तो एक ही के बारे में पता चला कि सहरसा में नहीं है। तो अब तय कर दिया है हम लोगों की सरकार ने कि सहरसा में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और आप जानते हैं हम लोग बिहार में कितना ज्यादा कर रहे हैं, सबसे पुराना क्या है आप जानते ही हैं, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ये सबसे पुराना, और कितना इलाज होता था। आप बिहार का दूसरा है दरभंगा का DMCH। तो हम लोगों ने क्या तय किया भाई, बिहार
जोग का जो पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है इसको 5,462 बेड की क्षमता का हम लोग निर्माण करने की शुरुआत कर दी है। एक हिस्सा पूरा हो गया है लगभग। आइए जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं, जरा सोच लीजिए इस देश में किसी भी मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी क्षमता नहीं है जो हम लोग बिहार में पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का कर रहे हैं। भूलिएगा नहीं, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तो उसका हम लोग इतना बड़ा काम करवा रहे हैं, अभी हो जाएगा तो कितनी सुविधा हो गया। पहले पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कितना अच्छा रहा, आज कितने लोग इलाज के लिए आए, दूसरे राज्यों के, दूसरे देशों के सब होते थे। अब धीरे धीरे उसको और हम लोग बढ़ाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने यह भी तय कर दिया कि पटना का दूसरा दरभंगा, तो दरभंगा की भी संख्या हम बढ़ाएंगे 2500 बेड का, उसके बारे में हम लोग निर्णय ले लिए। अब इसके अलावे आप समझ लीजिए ये ITIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना में भी 2500 बेड का, ये जो ITIMS है हमारा उसको भी 2500 बेड का कर रहे हैं, और NMCS नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना सिटी वाला उसको भी 2500 बेड का, और श्रीकृष्ण मेमोरियल कॉलेज और हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर वाले का उसको भी 2500 बेड का, और अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल गया वाले को भी 2500 बेड का। और आपको बता दिए हैं कि दरभंगा वाले को भी DMCS दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को भी 2500 बेड का करें। ये सब तो काम कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि आपको पता है कि एम्स बना, आप सब सॉरी ITIMS बना पटना में। अब उसके बाद ये जो सरकार है अभी, तब 15 में इन लोगों ने कहा कि पटना में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाएंगे, तो हमने कहा भाई देखिए श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में एक पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना में ये ITIMS बन गया, तो इसको तो आप दूसरा जगह बनाइए, बिहार में दूसरा कहिए, तो उसे सुधार ने सुझाव दिया कि भाई देखिए सबसे पहला मेडिकल कॉलेज पटना और बिहार का दूसरा है आपका दरभंगा, तो अच्छा होगा कि आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज को आप एडॉप्ट कर लीजिए और उसी को ITIMS बनवा दीजिए। तो शुरू में स्वीकार कर लिए, अब आप पे रिजेक्ट कर दिए कि ना हम अलग बनाएंगे, तो अलग बनाएंगे तो हुआ कि वहां हो। तब हमने तो तय कर दिया कि भाई हम लोग दरभंगा को के हॉस्पिटल को करेंगे 2500 बेड का कर देंगे, आप उसके 2500 बेड का। और उसके बाद आप समझिए कि इसी बार हम जो यात्रा में थे तो वहां के DM ने मुझको जो जगह दिखलाया, एक इतना बढ़िया जगह, कहा कि यहीं पर करके हम लोग दे देंगे ITIMS के लिए। मैंने कहा बहुत अच्छा, और ये बात हम लोग भेज दिए। हाँ, एम्स के लिए तो जो कर दिया है तो हम लोगों ने भेज दिया कि पूरे तौर पर वहां के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को के लिए हम लोगों ने चुन करके उनको जगह दे दिया। अब आजकल लोग बोल रहे हैं क्या गड़बड़ है रे भाई, जाइएगा उसको तो खूब ऊंचा कराएंगे और उसके चारों तरफ ऐसा सड़क बनाएंगे, दरभंगा और ज्यादा बढ़ जाएगा, और जहां पर वो है अभी मेडिकल कॉलेज वाला वहां पर बनेगा तो दूसरे राज्यों और दूसरे जगहों से आने वालों को जाने में थोड़ा समय लगेगा, और ये बन जाएगा तो कोई भी आएगा उसको बहुत जल्दी होगी, इसी को देख करके बना दिए। लेकिन अब नहीं कर रहे हैं भाई, तो जो करिए। हमने तो सारे पत्रकारों से हमसे पूछा था कल, तो हमने कहा कि एक बार हम अनुरोध करेंगे सारे पत्रकारों को कि एक बार चल करके जो जगह हम लोग चुन लिए हैं और वहां के DM ने बताया और इतना बढ़िया जगह चुना है और जो काम किया जाएगा
हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे आप लोगों से कि एक बार चल के देख लीजिए, वहां का भी हो और यहां का भी, सब देख आइएगा और उसको छपवा दीजिए। वैसे तो आप लोगों पर तो प्रतिबंध न है जी, आप सब चीज छाप सकते हैं, ये तो प्रतिबंध न ऊपर से लगा दिया गया है, सब का बात थोड़ी छाप सकते हैं, एक तरफा छप रहा। तो इसलिए कल भी हम कह दिए थे, हमसे पूछे तो आज भी हम बता दिए कि जितना बढ़िया जगह चुने और वहां पर बन जाए बहुत अच्छा है। तो एक एक चीज जो हम लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए तो हर जगह से हम लोग पूरे तौर पर एक एक चीज को करेंगे और कोई दिक्कत नहीं करेंगे और हर प्रकार से पूरे तौर पर, और आप लोग समझ रहे हैं कि हर तरह से कई कई कामें हो रही हैं। अभी हम लोगों ने राज्य में राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, ये है पैठना भागन बिघा रहुई नालंदा में, उसका निर्माण कर दिया गया और तैयार हो गया, खूब अच्छा। अब आप समझिए कि राजकीय दंत चिकित्सा के लिए भी एक कॉलेज वहां पर बना, मेडिकल कॉलेज बना दिया गया। तो इसी तरह महाविद्यालय सब हो गया। तो हर प्रकार से हम लोग पूरे तौर पर सारा काम कर रहे हैं और सभी तरह से लोगों की सुविधा के लिए। क्या कह रहा है, अरे तब मिलेगा ना। अब पहले से ही जो किया था सबसे दूर का 6 घंटा, अब हम लोगों का लक्ष्य कि 5 घंटा में पहुंच जाए। आ कितना ज्यादा हम लोग बनवा रहे हैं आप देख लीजिए, बाईपास से लेकर के एक एक चीज का सब तरह का निर्माण किया जा रहा। और आप लोगों को मालूम है ना कि एक एक काम क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। आप पटना में दीघा से दीदारगंज तक जेपी गंगा पथ का निर्माण, इसकी शुरुआत हम 13 में करवा दिए, एक हिस्सा लास्ट ईयर बन के तैयार हुआ और दूसरा हिस्सा और आगे बढ़ गया, वो कल हम लोग कराए। अब आप लोग सब जानते ही हैं, वहीं पर आप पत्रकार लोग थे, अब कितना बढ़िया बन रहा है और उसको और उधर भी पूरब भी आगे और पश्चिम भी आगे करवाएंगे, तो इतना बढ़िया होगा। तो हम लोग तो एक एक काम कर ही रहे हैं हर चीज के लिए। और पूरा तौर पर जो जेपी गंगा पथ है उसको पूरब में आगे बढ़ा देंगे हम लोग। ये बख्तियारपुर से आगे से ताजपुर का पुल जो बन रहा है उसके लिए, और पश्चिम तरफ में आरा और छपरा का पुल जो बना हुआ है वहां तक इसको बढ़ा देंगे, तो कितनी सुविधा होगी उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार आने में और कहीं भी जाने में कितनी सुविधा होगी। और जानते ही हैं शाम में रात में कितने लोग देखते रहते हैं, जहां पहले बना तब अब दूसरा बना तब। तो इसीलिए सब काम हम लोग तेजी से कर रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि हम लोग महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के विकास के लिए काम कर रहे हैं, हर प्रकार से आप सबको बहुत हुआ है। आप जानते हैं प्राथमिक प्रारंभिक शिक्षक में भी महिलाओं को 50% का आरक्षण हम लोगों ने दिया, अब उसके आगे सब जगह 35% कर दिया है। आपको सबको मालूम है कि पुलिस में भी 35%, बाकी सब सरकारी सेवा में महिलाओं को 35% हम लोगों ने कर दिया। तो कितना ज्यादा सुविधा हम दे रहे हैं, लड़का लड़की सबके उत्थान के लिए काम हम लोग कर रहे हैं। तो आप, हम लोग यही काम करते हैं और पूरे तौर पर जो पूरा तौर पर काम किया है हम लोगों ने हर तरह से, तो सब तरह से कर रहे हैं। और जीविका का तो हम नामकरण किए, स्वयं सहायता समूह इतना कम था कि हमने देखा और फिर हम घूम करके तो हम कहे कि नहीं भाई इसको करना चाहिए ज्यादा संख्या में। तो ज्यादा संख्या में हम स्वयं सहायता समूह का गठन और उसका नाम दे दिया जीविका, और उसमें महिलाएं जीविका दीदियां कहलाती हैं। अब कितनी संख्या बढ़ गई, बहुत नाम मात्र की थी और अब संख्या कितनी बढ़ गई,
करीब करीब जीविका के अंतर्गत 10,47,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन हो गया और भी बढ़ेगा और इसमें 1,30,00,000 से भी अधिक महिलाएं जुड़ करके जीविका दीदियां बन गई है। हम सब से मिलते रहते हैं, जाते रहते हैं, अब कितना विकास हो रहा है और उनका काम हम बढ़वाते जाते हैं। इस बार जो हम घूम रहे थे जनवरी फरवरी में, उनका काम को और आगे बढ़वाने में लग गए, तो हम लोग सोच लीजिए, अरे हमको तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो और आगे बढ़ता, लेकिन लोग तो विशेष राज्य का दर्जा दिए ही नहीं। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जितना ज्यादा विकास का काम कर रहे हैं, अब उसके चलते क्या हो रहा है, अब पहले जरा याद करिए ना, कितने लड़कियां बाहर आती थी, आप देखते हैं सब, तो हर तरह से हो गया, सब तरह की सुविधा हम लोगों ने कर दिया, आजीविका दीदियों का भी इतना ज्यादा हम लोगों ने काम कर दिया और एक सतत जीविकोपार्जन योजना हम बनाए थे बीच में, कि खास करके जितना हम लोग बना रहे थे स्वयं सहायता समूह, तो कुछ बहुत ही गरीब परिवार रहता था, वो इसमें आता नहीं था बाहर, तो इसलिए हम लोगों ने एक स्वयं सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत कराई। अब उसमें ये शुरुआत करा दिया कि भाई जरा देखिए, उन लोगों को प्रेरित करिए, उन लोगों को विशेष मदद देने के लिए हम लोगों ने 1,00,000 तक के मदद का कर दिया था शुरू, तो उसमें काफी लोग आ गए। और दूसरी बार जब शराबबंदी लागू हुआ था तो जो लोग भी इससे जुड़े हुए थे ताड़ी व्यवसाय से या शराब व्यवसाय से, तो उन लोगों ने जब काम छोड़ दिया तो इसी के साथ जुड़े, तो बहुत संख्या में वो लोग जुड़ गए। अब आप समझ लीजिए कि सतत जीविकोपार्जन योजना में 1,62,125 लोगों को लाभ मिला और ताड़ी व्यवसाय से जुड़े परिवारों की संख्या हो गई आकर के इस काम को करने में 30,657 और शराब व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों की संख्या हो गई 12,819। आप हमने सोच लिया, आप जानते ही हम इसी बार शुरू में जो घूम रहे थे तो हमने कहा भी 1,00,000 तक का मदद कर रहे हैं, आप और आगे बढ़िए, अब 1,00,000 नहीं, अब हम लोग सबको 2,00,000 रुपया तक का मदद सरकार की तरफ से देंगे, ताकि ये और गरीब गुरबा तबका का आदमी खूब आगे बढ़े। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं और हर जगह से हम लोग कर रहे हैं। आप जानते ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के विकास के लिए भी काम करते हैं, आप जानते ही हैं। सबको 2018 में अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के 18 से सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना लागू की गई। अब बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा, अब पास जो करता है, पहला परीक्षा जो बीपीएससी का पास करता है उसको अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को 50,000 रुपया का मदद देते हैं, कि दूसरी जो अंतिम परीक्षा करेगा खूब बढ़िया से पहले मेहनत करेगा, पढ़ेगा और पास करेगा। और उसी तरह से जो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में जो प्रारंभिक परीक्षा पास किया और अंतिम परीक्षा के लिए देना है उसको 1,00,000 रुपया का मदद दे रहे हैं। अब आप समझ लीजिए किसका कितना लाभ हो गया। बीपीएससी में अब तक अनुसूचित जाति और जनजाति का 3,969 अभ्यर्थियों का और अति पिछड़े वर्ग के 5,724 अभ्यर्थियों का ने लाभ लिया है। इसका लाभ मिल गया, मेरे पास कर गए, कहां आगे बढ़ गए। और दूसरी तरफ जो संघ लोक सेवा आयोग है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के 183 अभ्यर्थियों का और अति पिछड़े वर्ग के 143 अभ्यर्थियों द्वारा इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो इतना ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं, हर तरह से हम लोग एक एक तरह से काम कर रहे हैं, कोई भी काम नहीं छोड़ रहे हैं। और एक बार आप लोगों को यह ध्यान में होगा, ग्राम परिवहन योजना भी हम लोग शुरू किए थे। और क्या किया था शुरू में हम लोग, कि 5 वाहनों का खरीद के लिए 1,00,000 रुपए तक का अनुदान देंगे और उसमें 3 अनुसूचित जाति जनजाति को और 2 अति पिछड़े वर्ग, लेकिन उसको बढ़ा के 7 कर दिया। अब 7
अनुसूचित जाति, 4 अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और 3 कर दिया इनके लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए। तो इस तरह से अब अनुसूचित जाति जनजाति में 24,821 और अति पिछड़े में 18,285 युवाओं को इस योजना का लाभ मिला। अब कितना रखे हुए है बोलिए, कितना खरीद कर रहा है, हर तरह से हम लोगों ने कितना लाभ दिया, अब कितना ज्यादा लेकर के उछला रहा है, वाहन चला रहा है, सब कुछ को कितना लाभ मिल रहा है। अब इसी तरह से अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी बहुत सारा काम किया गया है। अब आप जानते ही हैं मदरसा सुदृढ़करण योजना 18-19 से लागू है। अब बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड में से मान्यता प्राप्त मदरसों के शिक्षकों और अन्य कर्मियों का वेतन भी बढ़ा करके जो अन्य सरकारी स्कूलों का वेतन मान वही दिया जा रहा है। और उसी तरह से सुन्नी और सिया वक्फ की जमीन पर बहुउद्देशीय भवन, मुसाफिर खाना, विवाह भवन, व्यावसायिक भवन, दुकान, मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। अब आपको मालूम है ना, यहीं पर है सुन्नी वक्फ बोर्ड का अंजुमन इस्लामिया हॉल। ये कितना पुराना जगह पटना में था, हम लोग जब पढ़ते थे कॉलेज में उस समय भी उसमें जाते थे, आगे भी जाते थे, तब उसका कितना विकास करा दिए। अंजुमन इस्लामिया हॉल को जाकर के देखिए कि नए सिरे से भव्य इमारत के रूप में बनाया गया है। अब उसी तरह से पटना सिटी में सिया वक्फ बोर्ड के लिए भी जमीन है, उस पर काम चल रहा। तो पूरे तौर पर मुस्लिम परित्यक्ता सहायता योजना मिलती है, जो उस महिला को छोड़ देता है, जिसको छोड़ देता है, तो उसके लिए हम लोगों ने पहले 10,000 रुपया का राशि देना शुरू किया और 17 से हम लोग इसको 25,000 रुपया कर दिए और इसमें 14,967 महिलाओं को सहायता मिल गई। तो हर तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। हर घर नल का जल का योजना पूरा हो गया, कौन सा काम नहीं हम लोग कर रहे हैं हर प्रकार से। और इसमें क्या किए थे, 50% का काम, चूंकि जहां आयरन है, आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से कराते थे और बाकी काम पंचायती राज संस्थाओं या नगर निकायों का। तो काम तो बहुत हद तक हुआ, लेकिन अब हम लोगों ने तय कर लिया है कि पंचायत और नगर निकायों में भी जो क्रियान्वित है उसके मेंटेनेंस का काम और जहां कहीं छूट गया है या टूट गया है उसके निर्माण का काम भी अब पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से नहीं, उसका भी काम बाकी जगहों का भी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा कराया जाएगा। यानी अब जो दो प्रकार का था, अब खाली आयरन, आर्सेनिक और फ्लोराइड वाला ही नहीं, बल्कि सब का सब काम अब इनके माध्यम से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा होगा। और आप जानते हैं ना, जो हम लोगों ने शुरू करा दिया सोलर स्ट्रीट लाइट। कर रहे हैं तो ये सब एक एक चीज को नहीं छोड़ रहे हैं और पूरे तौर पर और हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए भी पूरे काम में नजर रखा जा रहा है, उसका भी बहुत सारा काम हुआ है और काम किया जा रहा है। और आप जानते हैं कृषि रोड मैप जो हम लोगों ने शुरू किया था 2008 से, 3 पूरा हो गया, अब चौथा भी शुरू कर दिया है। अब इसके लिए आप समझ लीजिए कि तीनों कृषि रोड मैप होने के बाद धान, गेहूं एवं मकई की उत्पादकता पहले के मुकाबले में दोगुनी हो गई है, साथ ही दूध, अंडा, मांस, मछली उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। अब इसके बाद भी हम आप समझ लीजिए 2.5 गुना बढ़ गया मछली का उत्पादन पहले से। अब 5 साल के लिए और हम लोगों ने जो चौथा कृषि रोड मैप, चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरुआत करा दी है। इसमें आप जान लीजिए कि 1,62,268 करोड़ रुपए की योजना है,
अब इसके बाद आप समझ लीजिए कि आप जानते हैं कि 75% लोग इन्हीं सब चीजों पर बिहार के निर्भर हैं। अभी जो कृषि रोड मैप से उनका भी कितना विकास हुआ और कितना ज्यादा हो रहा है सबको फायदा, तो ये सब काम भी करवा रहे हैं। इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि हम लोग तो भाई देश आजाद है, अब बिहार की आजादी की लड़ाई का भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब बिहार में हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम सब लोग मिल करके बिहार के विकास के लिए भी और काम कर रहे हैं, और हर जगह से नौकरी और रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। एक भी काम नहीं छोड़ा जा रहा, हर तरह से किया जा रहा। अब इस बार हम तो पिछली बार क्या बोले थे आप कि भाई हम लोग सरकारी 10 लाख नौकरी करेंगे और 10 लाख रोजगार का अवसर देंगे, और जान लीजिए इस बार बहुत हो गया है, अगले साल तक ही काम पूरा हो गया। अभी आपको बता देते हैं, अभी 1,50,563 सरकारी नौकरियां लोगों को प्राप्त हो गई और 3,52,462,404 नए पदों का सृजन हो चुका किया गया और 2,86,461 पदों पर नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। तो बहुत तेजी से काम होगा और रोजगार का भी 5 लाख लोगों को अवसर मिल गया। तो हम लोगों का पूरा लक्ष्य है कि अगले वर्ष तक सरकारी नौकरी भी 10 लाख तक मिल जाए और रोजगार का भी अवसर 10 लाख तक मिल जाए। तो इसी में हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग सारा काम करते हैं। आ खाली दिल्ली वाला तो खाली प्रचार ना अपना करता है जी, मीडिया पर कब्जा है तो खाली प्रचारे करता है, काम थोड़े करता है। हम लोग जो काम करते हैं वो तो हम यही चाहते हैं, सब डिपार्टमेंट को कहते हैं कि लोगों को घर घर तक एक एक चीज पहुंचा दीजिए। काहे बेचारे ये लोग चाहते हैं तो थोड़ा देर के लिए बोलते हैं, लेकिन सब बतवाई लिखना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज काट देना पड़ता है, तो क्या करिएगा। और जब एक बार 24 के बाद फिर मुक्ति मिल जाएगी देश को, तो फिर आप आजाद रहिएगा और जो कहेगा जो देखिएगा उसको आप ठीक ढंग से पहले की तरह छापिएगा। लेकिन आज तो आप पर लग गया है तो खैर छोड़िए उस सब चीज का। और जल जीवन हरियाली अभियान का भी काम जो हम लोगों ने किया, कितना ज्यादा काम हो रहा। अब बिहार और झारखंड अलग हो गया तो पहले किसी को पता नहीं था, आप बताइए यहां पर तो कितना कम था, मात्र जो हरित आवरण मात्र 9% था, तो उसी को ना बढ़ाने के लिए हम लोगों ने शुरू किया था हरियाली मिशन। तो 18-19 तक 22,000 करोड़ पौधा लगाया गया। अब उसके बाद जो जल जीवन हरियाली अभियान में भी इसको शामिल किए तो उसको और बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने किया। इस बीच में हो गया 10, पहले तो हो गया था आपको और ज्यादा, मैंने 22 करोड़ बचा दिया और इस बीच में हो गया 10,72,00,000 पौधारोपण। अब हो गया है जो पहले 9% था, 21 तक का आंकड़ा अभी आया है, उसके बाद आंकड़े नहीं आ रहा, ये तो और आगे बढ़ गया, लेकिन 15%। तो हम लोगों का है कि कम से कम 17% तो हम लोग कर ही सकते हैं, वो हो ही जाएगा। इसीलिए इसका इतना ज्यादा समूचा काम कर रहे हैं पौधारोपण का काम। अब आप सबको मालूम है ना जो काम किए, गंगा जल आपूर्ति योजना, तो आप सोच लीजिए कहां कहां हो गया, गया, बोध गया, राजगीर और नवादा वाला भी इस पर पूरा हो जाएगा। इसी तरह से फल्गु नदी पर कितने लोग जाते हैं, गया में विष्णुपद मंदिर में फल्गु नदी में, और उस पर गया जी डैम का निर्माण करा दिया गया। अब आप सोच लीजिए ये जो गंगा जल की आपूर्ति 5 जगह हो रही है उसके लिए 4,515 करोड़ रुपया, और जो फल्गु नदी पर गया जी डैम का निर्माण किया गया है, गया जी उस जगह का नाम, गया जो बोलते हैं वही जगह को हम कहते हैं गया जी, मैंने गया जी का नामकरण उसका करके, तो गया जी डैम कितने लोग जाते हैं, देश भर के लोग, आई देशी लोग बाहर भी रहता है वो भी वहां जाता है। इसलिए इन सब के लिए हम लोग जो काम कर दिए हैं कुल मिलाकर के उसके लिए 334,38,00,000 रुपया से, और हर तरह से हम लोग कर रहे हैं। गया जी डैम के पानी को स्वच्छ रखने की भी व्यवस्था की जाएगी,
इसके लिए मानसून के प्रारंभ होते ही डैम से पानी को निकाल दिया जाएगा और जिससे नदी के ऊपर का गंदगी निकल जाएगी और साफ पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तो एक तरह से काम हो रहा, उद्योग को कितना बढ़ावा दे दिए हैं। अब आप सोचिए ना भाई, हम लोग तो चाहते थे कि काफी चीज बढ़े, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा मात्र अनुमति कम में का मिला है, 17 ही का मिला है। हम लोग तो चाहते हैं कि और ज्यादा होगा। इथेनॉल उत्पादन के लिए आवश्यक मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार में होता है, तो इसको तो और ज्यादा मिलना चाहिए, यही तो हम लोग चाहते हैं। तो इसके लिए भी काम कर रहे हैं हम लोग। हम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कितना लाभ दिया जा रहा है आप समझ रहे हैं। पहले तो हम लोगों ने शुरू किया था, मुख्यमंत्री अति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 2018 में उसको बढ़ा करके कर दिया 2020 में अति पिछड़े वर्गों के लिए, और इन लोगों को दिया जाता था, हम लोग दे रहे थे इन लोगों को 5 लाख रुपया का हम लोग अनुदान देते थे और 5 लाख रुपये का ऋण देते थे, और उसके लिए पैसा नहीं लेते थे, एक पैसा नहीं लगता था, ब्याज मुक्त ऋण था। अब उसके बाद हम लोगों ने 21 के बाद से सीधे इसको बढ़ाया है 7 निश्चय 2 के अंतर्गत। अब उसमें कर दिया सभी महिलाओं का, कोई भी जात किसी भी धर्म कोई भी महिला सबके लिए हम लोगों ने कर दिया कि उसको भी वही मिलेगा जो अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़े के लिए मिलता है, और बाकी जितने लोग हैं अपर कास्ट हों बाकी जितने जात हों कोई भी हों उन सब लोगों के लिए भी कर दिया गया है 5 लाख रुपए का अनुदान, और बाकी तो उन लोगों को कर दिया गया अति माने अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा और महिला के लिए। तो अब हो गया कि 5 लाख रुपया का अनुदान, अब 5 लाख रुपया का ऋण जिसमें कि ब्याज मुक्त ऋण है, अब बाकी जो बचे हुए उन सबको भी जो भी अपर कास्ट के हों बैकवर्ड हों कोई हों किसी भी धर्म के उनको भी 5 लाख रुपए का अनुदान, अब 5 लाख रुपए का ऋण मात्र 1% का उनको लगेगा, 1% ब्याज दर पर मिलेगा। तो ये सब काम किया जा रहा है, हम लोग एक ही काम नहीं छोड़ रहे हैं। और आप जानते हैं जातीय मिल करके बैठ करके निर्णय लिया और इस काम को शुरुआत कर दिया जाति आधारित गणना का हम लोगों ने 2022 से। बहुत हद तक काम हो गया, लेकिन इस बीच में कोई चला गया, यहां कोर्ट पे चला गया, तो इसके बाद उसमें जो है वहां से फिर रोक लग गई, उच्च महान्यायालय से रोक लग गई 1-8 को। मैंने पहले रोक लगा था कि नहीं होगा, बाद में हुआ कि नहीं इस पे जो भी दिया था उसको स्वीकार नहीं किया और फिर राज्य सरकार को अनुमति दे दिया कि हाँ करिए, तब वो काम भी लगभग अब पूरा होने जा रहा। तो आप समझ लीजिए जाति आधारित गणना हो जाएगा, तो जाति आधारित गणना में कौन किस जाति का है एक एक चीज की जानकारी होगी, चाहे अपर कास्ट हो पिछड़ा हो अति पिछड़ा हो अनुसूचित जाति हो जनजाति हो हिंदू हो मुस्लिम हो किसी भी धर्म को मानने वाला सबको होगा। और उसके साथ साथ हम लोगों ने सर्वसम्मति से तय किया है कि सबकी आर्थिक स्थिति, इवन अपर कास्ट के हो या किसी भी जाति के हो किसी भी धर्म के हो उनकी आर्थिक स्थिति का भी जायजा लिया जाएगा, और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और मदद दी जाएगी, यही सोच करके उसके लिए अलग योजना बनेगी। तो हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो सबके हित में काम कर रहे हैं, तो ये सब काम भी कर ही दे रहे हैं। आपको हम यही कहना चाहते हैं कि हो जाएगा, तो इसीलिए अब जो भी काम हम लोगों को करना है करते रहेंगे और राज्य के हित में ये सब काम हम कर रहे हैं। और आप सब लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं और कितनी बड़ी संख्या में सब लोग उपलब्ध हैं, हमको देख करके इतनी खुशी हुई है आप सब लोगों को देख करके। मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं जो इतनी बड़ी संख्या में सब लोग आप सब लोग उपस्थित।
अब पत्रकार भी भारी संख्या में उपस्थित हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं। और इसके बाद अब मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। तो सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारे का वातावरण कायम रहे तथा पर्यावरण का संरक्षण हो। सभी चुनौतियों के बावजूद हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारा अतीत गौरवशाली है और विरासत समृद्ध है। हम उसी ऊंचाई को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यह संकल्प ले कि बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर एक खुशहाल राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इस अवसर पर एक बार पुनः सभी बिहारवासियों को और यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।